सुन ले, सारे सुन ले, छोटी सुन ले, सारे से सुन ले, अरे भगवान सुन ले, दिल्ली में सुन ले। JNU देशद्रोह मामला महीना फरवरी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामला देशद्रोह महीना फरवरी। दोस्तों आप देख रहे हैं द पॉलिसी टाइम्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद। आज हम लोग मशकूर अहमद उस्मानी साहब के साथ हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो बवाल हुआ और जिसको लेकर मीडिया काफ़ी गर्म है, उस मामले में जिन 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और जिनके खिलाफ सेडिशन के चार्ज लगे हैं, मशकूर अहमद उस्मानी उसमें से एक हैं। इत्तफाक ये है कि जिस वक्त ये सारा मामला चल रहा था उस वक्त मशकूर अहमद उस्मानी साहब दिल्ली में मौजूद थे। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि असल मसला क्या है। जिस तरीके से उमर और खालिद दो हैं, क्या उसी तरीके से मशकूर और उस्मानी दोनों अलग हैं, जो एक वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक दिल्ली में? बहुत अहम सवाल किया आपने, क्योंकि FIR में जो नाम आ रहा है वो मशकूर अहमद आ रहा है, उस्मानी नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि उस्मानी दिल्ली में हो और मशकूर अहमद अलीगढ़ में हो, ये भी हो सकता है। देखिए ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, जिस कॉन्स्पिरेसी को किसी लोकल लेवल पे नहीं देखना चाहिए, ये एक लार्जर प्रोस्पेक्टिव में इसको किया गया है और कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, जानबूझकर उन तमाम स्टूडेंट लीडर्स को, उन तमाम छात्र नेताओं को जो लोग टाइम टू टाइम जो मुद्दों को उठाते रहते हैं, चाहे वो कैंपस के मुद्दे हों, चाहे वो नेशनल मुद्दे हों, चाहे वो सरकार की जो पॉलिसी आती है उनमें क्या कमियां हैं, उनमें क्या सुधार होना चाहिए, उन पर सवाल जो उठाते रहते हैं, उनको जानबूझकर इस तरह के चार्जेस लगा के ड्रैकोनियन लॉ का इस्तेमाल करके, जिस कानून का इस्तेमाल बाल गंगाधर तिलक को, गोखले को, क्या नाम है, आज़ादी की लड़ाई सही से ना लड़े उसको रोकने के लिए इस्तेमाल किया था, आज उस कानूनों का इस्तेमाल जो है इस देश के छात्रों के ऊपर किया गया, ये पहली बार नहीं हुआ है। आपने देखा कि ठीक 3 साल पहले फरवरी का महीना और JNU के अंदर जो है किस तरह से सेडिशन चार्जेस को गलत तरह से इस्तेमाल किया गया, और 3 साल बाद ठीक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टारगेट जो है इनका वो स्टूडेंट है, कल भी स्टूडेंट था आज भी स्टूडेंट है। नाउ वी आर लाइव फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेररिस्ट, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए एक स्टूडेंट है अजय सिंह, जिन्होंने ये कहा कि हम असदुद्दीन ओवैसी को कैंपस में आने नहीं देंगे। देखिए पहला सवाल तो हमारा ये है कि कैंपस एक ऐसी जगह है जहाँ पे सवाल खड़े होने चाहिए, आप सवाल खड़े कीजिए, आप प्रोटेस्ट भी कीजिए कि ठीक है हम इसका विरोध करते हैं, हम इसको नहीं आने देंगे, आप अगर करना चाहते डेमोक्रेटिक वे में उसको कीजिए। लेकिन जो शख्स आ ही नहीं रहा आप उसका विरोध कैसा कर रहे? असदुद्दीन ओवैसी तो कभी आ ही नहीं रहे थे कैंपस में, उसका विरोध कैसा हो रहा था? साथ ही साथ किसी मीडिया चैनल को ये मालूम नहीं था कि असदुद्दीन ओवैसी आ रहे, सिर्फ और सिर्फ पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रवादी मीडिया चैनल, कथित राष्ट्रवादी मीडिया चैनल जिसको आप रिपब्लिक टीवी कहते हैं, बस उसको मालूम था कि ओवैसी आ रहे हैं। वो पूरी टीम जो है दिल्ली से आती है और उसको कवर करती है कि असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, हम उनके इंतजार में खड़े हैं और हम यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी में खड़े हैं जहाँ पे टेररिस्ट निकलते हैं। अब ये बताइए मेरे घर में आके कोई मुझे लात घूसे भी मारे, 2-4 गालियाँ भी दे दे और चला जाए और मैं चुपचाप से बैठा रहूं, स्टूडेंट्स ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं आप बाहर निकलिए, इस तरह से आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते यहाँ से। फिर उसके बाद तमाम जो है वो BJP के लोग आ गए। अब देखिए एक रिपब्लिक टीवी के जो लोग जो बिना परमिशन एक कैंपस में घुसे उनको बाहर का रास्ता जब दिखाया जा रहा था, पोलाइटली दिखाया जा रहा था, वीडियो में मौजूद है, तो BJP के लोग आके इस तरह का हंगामा करते हैं कैंपस के अंदर और उसके बाद उल्टा स्टूडेंट्स के ऊपर FIR होती है। मैं पिछले 3 दिन से दिल्ली में मौजूद हूँ। जैसा कि 14 लोगों के खिलाफ FIR हुई है और उनके खिलाफ सेडिशन के चार्ज लगाए हैं, बहुत संगीन चार्जेस हैं, तो उन चार्जेस में जो लगाए गए चार्जेस हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स की तरफ से जो FIR हुई है उसका क्या रहा? देखिए स्टूडेंट की तर्फ से जो FIR रही उसमें कोई भी FIR दर्ज नहीं की गई अभी तक। 4 कंप्लेन गई, 4 तहरीरें गई हैं जो यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से भी गई हैं, स्टूडेंट यूनियन की तरफ से गई है, स्टूडेंट्स की तरफ से गई है, लेकिन उसको जो है अभी तक पुलिस ने रजिस्टर नहीं किया। लेकिन वहीं पे जो BJP के लोग थे उन्होंने जो FIR दी उसको रजिस्टर भी किया, देशद्रोह का मुकदमा भी कायम कर दिया और घंटे भर के अंदर कर दिया और हमारी तहरीर अभी तक एज इट इज़ पड़ी हुई है जो कि अभी तक चली नहीं। जहाँ पे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ पे स्टूडेंट्स शहर में मौजूद नहीं है, मैं दिल्ली में हूँ ठीक है, और मेरे खिलाफ जो है देशद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया आपने। सबसे अहम सवाल, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बाबे सैयद के बाहर नहीं जा सकते,
लेकिन बाहर से स्टूडेंट बाबे सैयद के अंदर आ सकते हैं और वहाँ पर हंगामा करके चले जा सकते हैं क्या? देखिए, लास्ट टाइम जब हिंदू युवा वाहिनी बीजेपी के यूथ विंग के लोगों ने इस तरह से किया, जब हामिद अंसारी साहब कैंपस में मौजूद थे, तब भी जिला प्रशासन ने उनको एक बात कही, आपको जो भी प्रोटेस्ट करना है आप यूनिवर्सिटी सर्किल के बाहर करें, आप यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस के अंदर नहीं आ सकते, और बहुत क्लियरली इस बात को क्लियरिफाई किया गया था। बट स्टिल बीजेपी के यूथ विंग के लोग और बीजेपी के मेन विंग के लोग, उन लोगों ने आके कैंपस को डिसरप्ट करने की कोशिश की, एजुकेशनल माहौल को ख़राब करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं एक ऐसा टेंशन का माहौल बनाना चाहते हैं जिससे वो नफरत की राजनीति को परोस सके, क्योंकि इनके पास असल मुद्दे जो है उन पर बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। साथ ही साथ इन तमाम मुद्दों के साथ जो भ्रष्टाचार का मुद्दा जो अभी देश के अंदर है, जिसमें देश की सिक्योरिटी के साथ समझौता किया गया, जो राफेल का मुद्दा है जो इतना चरम पे चल रहा है, इन तमाम मुद्दों को दबाने के लिए, इन तमाम मुद्दों को मेनस्ट्रीम मीडिया से, टीवी स्क्रीन से हटाने के लिए इन चीज़ों को ऑर्केस्ट्रेट की जाती है और ये बताया जाता है कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये देशद्रोहियों का कैंपस है, यहाँ देशद्रोही रहते हैं, और ऐसे देशद्रोही रहते हैं जो कि उस वक्त कैंपस में होते नहीं, वो दिल्ली में होते हैं, ठीक है, और जो और बाकी जिन लोगों का नाम है उसमें वो लोग भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। 14 में जितने लोगों का नाम है वहाँ पे मौजूद कोई था ही नहीं वहाँ पे, और जो छात्र नेताओं का नाम है वो कभी किसी मीटिंग में था, कोई अपनी क्लास में था, और बिल्कुल प्रूफ के साथ अवेलेबल है ये सारी चीज़ें। तो इस तरह के कानून को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये राजद्रोह का कानून जो मेरे ऊपर लगाया गया है सिर्फ इसके लिए आप अपोज करें, नहीं, इस तरह के कानून को लेकर एक चर्चा होनी चाहिए पूरे देश के अंदर कि एक ड्रैकोनियन लॉ जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आज वो लॉ कैसे छात्र के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, प्रोटेस्ट हुआ ही नहीं था उस वक्त तक, तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कहाँ से लगे? ये मामला जो अहम मामला है वो जिन्ना से चल के कभी तिरंगा यात्रा पर आता है, फिर आके देशद्रोह पे ख़त्म होता है। और समय जो आप देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले 7 जजों की एक बेंच बनाई गई है माइनॉरिटी स्टेटस को लेके, तो आपको क्या लगता है इन दोनों के बीच? देखिए, कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक पॉलिटिकल गिमिक की तरह, पॉलिटिकल गेम की तरह, पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। कभी वो रिजर्वेशन के नाम पे, कभी तिरंगा यात्रा के नाम पे, कभी एक तस्वीर जो 80 साल से वहाँ टंगी हुई है कभी उसके नाम पे, तो अलग अलग इशूज़ को जो नॉन इशू हैं उनको इशू बना के परोसा जाता है, उनको क्रिएट किया जाता है, बाज़ाब्ता स्टोरी लिखी जाती है, स्क्रिप्टेड स्टोरी होती है, और सारी चीज़ों को किया जाता है। देखिए, जहाँ तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर का इशू है, द मैटर इज सब ज्यूडिस इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वहाँ से ये हुआ है कि 7 जजेस की बेंच होगी जो उसका फैसला करेगी, और ये उसी दिन हुआ है जिस दिन ये सारी चीज़ें कैंपस में हुई और इधर सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि लोकसभा इलेक्शन सामने है 19 का, और 19 के इलेक्शन को ये कॉमनल अंदाज में प्रभावित करने के लिए जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम को बीच में घसीटना चाहते हैं, चूँकि AMU के नाम के बीच में कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ड है, और इसी वजह से जो है वो ये चाहते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशन है इन सारे इंस्टीट्यूशन को बंद कर देना चाहिए, यहाँ से डिसेंट क्रिएट होता है और यहाँ से जो लोग निकलते हैं वो हमसे सवाल करते हैं, और ये लोग वैसे लोग हैं जो सत्ताधारी लोग हैं जिनसे आप सवाल नहीं कर सकते, जिनसे अगर आप सवाल करेंगे तो वो सवाल का जवाब देना पसंद नहीं करते, ना उनके पास जवाब होता है, तो इसीलिए सारे डिसेंट को मार देना चाहते हैं। आखिरी सवाल, जैसा जिन्ना के मामले में हुआ था, आखिरी में स्टूडेंट्स के हाथ मायूसी आई थी, इस बार आखिर क्या होगा? क्या स्टूडेंट्स को वो जस्टिस जिसकी उम्मीद कर रहे हैं वो मिल पाएगा? देखिए, जिससे पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें मायूसी नहीं कहेंगे आई थी, क्योंकि हमारा जो प्रोटेस्ट था हमने एक पूरे सारे नेशन में जो है एक मैसेज दिया कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस तरह से टारगेट नहीं कर सकते, एक ऐसी तस्वीर के नाम पे नहीं कर सकते जो 80 साल से टंगी हुई है, आप इस तरह से अपने प्रोपेगेंडा में इस्तेमाल। लेकिन उनके खिलाफ कुछ जो कल्प्रिट्स थे उनके खिलाफ कुछ हो नहीं पाया? कल्प्रिट्स के खिलाफ FIR भी हुई, कुछ कल्प्रिट्स जेल भी गए बाद में, उनको जो है क्या नाम है जो जेल में रहने के बाद जो है उनको बेल भी मिल गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कल्प्रिट्स FIR भी हुई, वो पकड़े भी गए, मजिस्ट्रेट लेवल की इंक्वायरी हुई, मजिस्ट्रेट लेवल की इंक्वायरी में पुलिस की और LIU की गलती भी मानी गई, और साथ ही साथ आपको जो पुलिस ऑफिसर्स थे, ठीक है, उनके ऊपर भी एक्शन की बात है, बट वो अभी तक पेंडिंग है कि किस लेवल पे गड़बड़ी हुई है LIU में, और अभी तक एक्शन नहीं हुआ, हालांकि हमने उस पर बार बार सवाल खड़े किए, अभी लास्ट मंथ भी हमने उस पर सवाल खड़े किए हैं, तो ऐसा नहीं कि उसमें मायूसी मिली, जो हमारी डिमांड्स थी वो डिमांड्स मतलब मोस्टली डिमांड्स पूरी हुई, और अभी भी हमारी यही डिमांड है कि जिन लोगों ने ये तमाम चीज़ें की है, उस टाइम पर भी स्टूडेंट को FIR हुआ था, 307 के केसेस वगैरह बनाए गए थे, उसको भी स्पंज किया, वापस लिया गया, हमारी यही डिमांड है कि ये जो
राजद्रोह का मुकदमा कायम किया गया और संगीन धाराओं में जो FIR लिखी गई है इनको वापस लिया जाए, जो कल्प्रिट्स हैं उनको उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज करके उनको पनिश किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। ये हमारी जो है बेसिक डिमांड है और ये डिमांड अगर हमारी पूरी हो जाती है तो फिर हम प्रोटेस्ट को जो है वो क्या नाम है कॉल ऑफ करेंगे, लेकिन उससे पहले तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ मशकूर अहमद उस्मानी। आगे के लिए देखते रहिए द पॉलिसी टाइम्स।